सर लेफ्ट साइड में यहाँ पे हिमेश सर सर सोलो सर 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 सामने सर आपके लेफ्ट में आपके अनु सर अनु सर अनु सर आपके लेफ्ट में आपके सर सर तो ये लेफ्ट सर सामने एकदम आपके सर सामने आई टोल अनु सर लेफ्ट में आपके सर सामने आपके सर सामने सर सर अनु सर 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 हो गया आ रहे हैं चलिए हो गया बाइस सबसे पहले तो आज के जो अवार्ड है उसके बारे में जानना चाहेंगे किस तरीके देखिए रेडियो मिर्ची अवार्ड्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर ये सीज़न 7 है 7th ईयर है ये और सबसे बड़ी खूबी इस अवार्ड की ये है अगर आप नोटिस करो बेस्ट ऑफ द बेस्ट यानी कि यू हैव सिंगर्स यू हैव कंपोजर्स यू हैव डायरेक्टर्स सेलेक्टिंग सिंगर्स कंपोजर्स एंड यू नो आप अगर आप देखो इतना अच्छा टैलेंट है हमारे पास और उसमें बेस्ट एल्बम किसको जाएगा बेस्ट सिंगर किसको जाएगा एंड ये भी सरप्राइज होता है क्योंकि क्या होता है जो आप पॉपुलर अवार्ड्स और भी होते हैं उनमें से जो जिनको अवार्ड मिलते हैं इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उन्हीं को मिलने वाला है इसमें से किसी को भी मिल सकता है क्योंकि हम जब फॉर एग्जाम्पल मैं एज अ जूरी मेम्बर ऑफ द जूरी मैं जब चुनता हूँ कि वो आवाज़ कैसी थी गाने में कितनी जान डाली कौन से राग में गाना बना था कौन सी ताल में था हज़ारों चीज़ें होती हैं राइटिंग कैसी थी उसकी ट्यून फॉर्मेशन कैसी थी उसके साउंड प्रोडक्शन कैसी थी तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग और ये रेडियो मिर्ची में मिलता है आपको संगीत की बात करें तो कितने कैटेगरी में चुनाव होगा सिंगर्स का नहीं मगर टॉप 5 में लेके आते हैं पहले तो कितने सिंगर्स होते हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है कितने कंपोजर्स होते हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है अभी आप जानते हो आजकल एक एल्बम में तीन चार कंपोजर होते हैं वो बड़ा मुश्किल हो जाता है टू सेलेक्ट बिकॉज हम एल्बम ऑफ द ईयर देना चाहते हैं तो किसको दें और कैसे दें एक नॉर्मली क्या होता था हमारे ज़माने में हम लोग तो पूरी फिल्म करते थे तो एक संगीतकार को हर किस्म के गाने बनाने पड़ते थे यहाँ 5-5 संगीतकार हैं तो उसमें भी हमको सुनना पड़ता है चुनना पड़ता है लेकिन इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और थोड़ी ज़रा गर्मा गर्मी भी हो जाती है जब आप बात करते हैं लेकिन इट इज़ नॉट पर्सनल हम चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यहाँ तक के बेस्ट यहाँ तक एल्बम्स 1954 का जो एल्बम है उनमें से कितने बड़े बड़े एल्बम्स आए थे उसमें आप नागिन थी आर पार था आपको याद होगा टैक्सी ड्राइवर उसके उनमें से किसको बेस्ट एल्बम दिया जाए वो भी हम करते हैं या किस म्यूजिशियन ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है किस कंपोजर ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है किस लिरिक राइटर ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है तो हज़ारों कैटेगरीज है कुछ दूसरे अवार्ड में नज़र नहीं आती एंड आई थिंक आई वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ रेडियो मिर्ची एज अ मेंबर ऑफ द जूरी देखिए बहुत से नॉर्मली तो आप एक्सपेक्ट करेंगे जो नॉर्मल सिंगर्स को अवार्ड मिल रहे हैं बहुत अच्छा आपको अंकित ने बहुत अच्छे गाने गाए हैं अरिजीत ने बहुत अच्छे गाने गाए हैं लेकिन यहाँ कुछ भी हो सकता है आई वोंट डिस्क्लोज किसको हमने क्यों और कैसे वाई व्हाट लेकिन देयर कुड बी अ सरप्राइज फीमेल सिंगर्स में भी देयर कुड बी अ सरप्राइज मेल में देयर कुड बी अ सरप्राइज कंपोजर्स में देयर कैन बी अ सरप्राइज लेकिन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बड़ा अच्छा वोटिंग हो रही है एंड अंदर यहाँ मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ बहुत सबकी बैंड बजी हुई अंदर बिकॉज वी वांट टू सेलेक्ट द बेस्ट It's everyone in this world has a right to choose his or her own path of living. And I'm no one to comment on how others live their life. But I'm more concerned how I live my life. And each to his own, all the best. सर सामने सर सामने
सबसे पहले तो आज के जो अवार्ड हो रहे हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह के अवार्ड हैं? देखिए, इतने सीनियर और रिस्पेक्टेड ज्यूरी है, इतनी सीनियर और रिस्पेक्टेड अवार्ड्स हैं हमारे मिर्ची इज़ लाइक फैमिली एंड वी आर ऑल वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ बीइंग हियर एंड जो भी ज्यूरी का आदेश है और वही फाइनल डिसीजन मेकर्स हैं और प्रशांत जी और रेडियो मिर्ची की पूरी टीम के साथ इतने सालों का संबंध है तो उन्होंने कहा तो हम यहाँ आ गए एंड वी आर ऑल वेरी हैप्पी एंड इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर। मैं तो नहीं, मैं एक्चुअली सारे सीनियर जो बड़े बड़े लेजेंड्स हैं यहाँ पर वो ही कर रहे हैं सब कुछ, हम लोग तो जस्ट वी आर जस्ट वन जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस होल ज्यूरी बट ऑल इट्स लाइक वेरी सीनियर पीपल विद अस। मैं हर किस्म का म्यूज़िक पसंद करता हूँ, पुराना, नया, बिल्कुल नया एंड हर साल कुछ नया लाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए आज इतने सालों से कुछ ना कुछ नया किया है एंड वही करने की कोशिश रहेगी एंड दैट इज़ व्हाट रियली यू नो गिव्स यू द किक टू डू समथिंग न्यू। No comments. मर ही सकता आदमी, सही बात, बिल्कुल। हाँ बोलो। अरे चेयरपर्सन को बुला इसी। उसका जवाब तो मिल गया, जवाब दे दिया। ये नहीं, देखिए ये जो वीडियोस जो सर्कुलेट हो रहे हैं ये जाहिर है अगर कुछ इस तरह की गलत बात की गई है तो वो अच्छी नहीं है, अच्छा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब तक हम खुद उसको नहीं देखते उस पर कोई भी तरह का कमेंट करना सही नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि मजाक की भी एक सीमा और एक हद होती है, अगर ये मजाक में कोई बात कही गई है
तो भी ये ध्यान रखना चाहिए कि किसके साथ क्यों मजाक किया जा रहा है। बट अगेन वी कैन कमेंट बिकॉज हमने देखा, कमेंट नहीं कर सकते। और हर चीज़ मेरे ख्याल से हर कुछ ऐसा क्यों करे जो सारी दुनिया देख सके। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सबके देखने की नहीं होती हैं। बट लेकिन आपको लगता है कि हमारी इंडिया जो है वो अभी तक इस चीज़ को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि हमने इसके पहले ही हम ये चीज़ ले आए हैं जो एक्चुअली हॉलीवुड में बहुत ज़्यादा चलता है। देखिए हॉलीवुड इज़ हॉलीवुड, हमारा देश, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति हमारी है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उसको प्रिजर्व करें। बिल्कुल, और भारतीय संस्कृति के हिसाब से काफ़ी हम लोग खुल गए हैं, मजाक भी होती है, पर जैसा कि कहा कि संस्कृति का समाज का थोड़ा तो ख्याल रखना पड़ेगा। आफ्टर ऑल हम इसी सोसाइटी में रहते हैं तो हम उसकी नकल नहीं कर सकते। इससे संबंध की बात नहीं, नहीं रेडियो मिर्ची का लाइट्स हैव गॉन आओ। मिर्ची अवार्ड्स जो है वो मेरे ख्याल से उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ ख़ुद म्यूज़िक की फटर्निटी बैठी है 2-3 घंटे से लगी हुई है, और इसका चयन भी ऐसा होता है जैसे कि जब कोई धान होता है तो उसको चलनी से छाना जाता है, तो पहले जो चलनी छालने का काम है वो लोग कर चुके हैं, मतलब एक लंबी जूरी ने किया हुआ है। फिर हम लोगों के पास 15-15 लोग आए थे, और अगर हम कुछ और सुनना चाहते हैं तो हमें भी बाकायदा वो लोग आईपैड देते हैं, हम सुन ले उसके बाद भी हम यहाँ बैठते हैं। मुझे लगता है कि जो एक न्याय एक कलाकार के साथ होना चाहिए वो पूरी कोशिश की जाती है। फिर एट द एंड तो सीक्रेटिव है, तो उसमें ये फिर कह पाना मुश्किल है कि फिर भी कोई ज्यादती हो गई क्या। कोशिश ये की जाती है कि ज्यादती ना हो और जो बेस्ट से बेस्ट है उसको सपोर्ट किया जाए। देखिए बड़ी खुशी की बात है कि मिर्ची अवार्ड हर ईयर ग्रो होते जा रहा है, और एक ऐसा अवार्ड हो गया है जो बड़े बड़े फिल्म के अवार्ड्स होते हैं उससे भी TRPs में और इंटरेस्ट में बहुत आगे निकल गया है। इसके कई कारण हैं, एक तो ये है कि ये सिर्फ म्यूज़िक अवार्ड होता है, और म्यूज़िक अवार्ड में जो जजेस हैं वो सब म्यूज़िक फ्रेटर्निटी से हैं, सीनियर्स हैं, तो जिसे म्यूज़िक मिलता है अवार्ड वो भी बहुत खुश होता है, और हमें देने में भी बड़ा मज़ा आता है कि नए नए गाने सुन के और अच्छे अच्छे कलाकारों को न्यू कैटेगरीज में अवार्ड देने का बहुत ही प्यारा ये अवार्ड है, और ये बहुत एक ऐसा अवार्ड हो गया है जिसे हम काफ़ी सालों से जुड़े हैं, ये छठवां साल है, और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ब्यूटीफुल शो ऑन द डे ऑफ द अवार्ड। बिल्कुल, ये सेलिब्रेशन आज से ही शुरू हो गया, आज ही देख रहे हैं आप सब म्यूज़िक फ्रेटर्निटी के सारी महान लोग यहाँ पे हैं, और ये मिलने का ही एक ऐसा सेलिब्रेशन हो जाता है, और एक मस्ती की हवा और लहर दौड़ जाती है कि बड़ा मज़ा आता है। सर मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी, बच्चे थोड़ा हटके, रिसेंटली AIIB को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि काफ़ी गंदी कंटेंट यूज़ किया गया मस्ती मजाक के लिए, क्या आपको लगता है ऐसी कोई चीज़ अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे की जाती है तो जायज़ है या नहीं? नहीं, ये तो बिल्कुल जायज़ नहीं है और होना नहीं चाहिए। इनफैक्ट मेरे हिसाब से फ्रॉम द वेरी ऑनसेट द प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स जो करते हैं ये वहीं से ही केयरफुल एक नज़रिया उसका होना चाहिए, नहीं तो फिर ये सेंसर तक जाए और आगे तक बात जाए ये तो, और फिर सेंसर को ब्लेम करना ये गलत बात हो जाती है। आप कंटेंट ही ऐसा बनाएं जिसमें आप एक रिस्पॉन्सिबल कंटेंट बनाएं, और ये भी ध्यान रखें कि इसे हर किस्म के लोग देखते हैं और इससे प्रभावित होते हैं, तो वो एक मैच्योरिटी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे शोल्डर पे है जो निभाना ही चाहिए मुझे लगता है। खाना खा लूं प्लीज, भूख के मारे हालत खराब है। So how was the celebration of music? Very good, really enjoyed. Yeah. So क्या लगता है कौन सा इस बार का year of the song होगा? देखिए ये जो है ये मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड थोड़ा सा बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं इधर, और सो ऑब्वियसली जो जजमेंट होता है वो थोड़ा कमर्शियल सक्सेस
लेस और म्यूजिकलिटी ज़्यादा उसमें उसमें होता है कि सो डोंट एक्सपेक्ट देर आर द जो वोट्स का वजन होगा वो म्यूजिकलिटी के ऊपर ज़्यादा होगा कि म्यूज़िक कितना खास है और लिरिक्स कितना खास है वो उतना कमर्शियल सक्सेस के ऊपर कम होगा. हाँ मैं 2013 का एंड में जब धूम कर रहा था तब भी मेरे को बहुत ऐसा लग रहा था कि बहुत बोरिंग लग रहा था काम. सो मैं सोच रहा था कि फिर वापस काम करने और मैं बहुत पसंद करता हूँ कि आई एम अ वर्कहोलिक यू नो आई लव वर्किंग. सो तब मैं सोचा नहीं कुछ बिकॉज आई हैड वर्कड ऑन एक 100 फिल्म कर चुका था बहुत सारे फिल्म कर चुका था. सो मैं बोर हो गया थोड़ा काम से तो मैं ब्रेक ले लिया. मैं बोला और कोई फिल्म साइन नहीं करेंगे तो एक साल में कोई फिल्म साइन नहीं किया और एक साल सो 2014 का बीच से अभी 2015 का बीच तक मेरा कोई फिल्म नहीं है कोई रिलीज़ नहीं है. अब भी जाके साइन करना स्टार्ट किया मैं अभी 2-3 ऑलरेडी साइन कर चुका हूँ तो अभी काम स्टार्ट कर लिया फुल फ्लेज्ड क्योंकि अभी ब्रेक से मेरे को बोर लग रहा था और डिप्रेशन हो रहा था तो मैं बिकॉज आई एम अ वर्कहोलिक आई लव वर्किंग सो एंड आई एम बैक सो यू कैन. सो यूजुअली लोग काम ढूंढते हैं आप काम से ब्रेक लेके थोड़ा वक्त अपने साथ बिताते हैं लाइक दैट. शैल वी कॉल यू लाइक लकी और या लकी इन अ थिंग लाइक ये स्टेज पे आ गया कि आई कैन refuse work and I can choose what I want to do. That I think that that is one thing which you want. Har aadmi life mein yehi chahta hai ki wo khud jo karna chahta hai wo kar paaye. Lastly, aap is industry se hain aur main jaanti hu ki aap chale jayenge yahan se aage aap shayad jawab nahi dena chahenge lekin main aapko fir bhi puchungi ki jo controversy hai. Ha AI bhi ab मेरा ये कहना कि मैं देखा ही नहीं मैं कमेंट क्या करूं. एक तो देखना चाहिए कि मैं कुछ मालूम ही नहीं है इसके बारे में मैं देख लूं उसके बाद मैं ज़रूर कमेंट कर दूंगा बट पहले देखना है. लेकिन आपने जो सुना है तो कुछ कॉमेडी है लोगों के मनोरंजन के लिए डू यू थिंक आर कंट्रीज रेडी फॉर सच अ थिंग. नहीं इट्स आई डोंट थिंक और आई डोंट डू एनीथिंग अनलेस आई सी इट आई कांट कमेंट. दिस इज़ माई ओनली पॉइंट कि एक बार देख लूँ तो कमेंट कर सकता हूँ अगर देखा नहीं कुछ सुना ही नहीं ऐसे आप बोल रहे हो तो फिर कमेंट करना मुश्किल हो जाता है और कुछ नहीं. थैंक यू सर. आप खाना खा लीजिए. थैंक यू बहुत धन्यवाद. समीर जी आज हम हैं यहाँ पे रेडियो मिर्ची अवार्ड में सिलेक्शन किए हैं कुछ अच्छे गानों के. किस तरह से पूरा प्रोसीजर हुआ आज? बहुत अच्छा रहा और सबसे अच्छी बात ये रही कि ये जो चुनाव होता है ये वो लोग चुनाव करते हैं जो उस चीज़ को जानते हैं. ज़्यादातर आजकल जो म्यूजिक अवार्ड्स हो गए हैं मुझे तो लगता है उनका नाम अभी फैशन शो रख देना चाहिए क्योंकि वो लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं जिनको उसके बारे में नॉलेज नहीं है. दूसरी बात यह है कि हम इतने सालों से यही एक म्यूजिक चैनल है जो हमारे साथ है जो म्यूजिक फ्रेटर्निटी के साथ है जो हम लोगों के साथ है इसीलिए हम जुड़े हुए हैं क्योंकि मैं और किसी अवार्ड फंक्शन में नहीं जाता क्योंकि हमारी बिरादरी के लोग हैं हमारे फ्रेटर्निटी के लोग हैं. तो यहाँ आने पे एक तो जो चुनाव होता है ये बहुत अच्छी बात होती है. दूसरा ये तमाम लोग जिनसे बहुत महीनों सालों तक हम नहीं मिलते यहाँ आते हैं और चूँकि नए पुराने तमाम तरह के गाने सेलेक्ट होते हैं तो कुछ तो नए टैलेंट्स आए हैं वो क्या लिख रहे हैं क्या कह रहे हैं या जो पुराने लोगों ने कहा है उसमें क्या नया है क्या ये तमाम चीज़ें देखने का यहाँ जो मज़ा आता है यही इसकी सबसे बड़ी खास बात है. जी सर नए नए सिंगर्स आ रहे हैं कोई एक सिंगर जो आपके दिल को छुआ हो? डेफिनेटली बेटा देखो अरिजीत सिंह में क्या है अरिजीत सिंह के गाने जब मैं सुनता हूँ तो एक जो वर्सटाइलिटी है हर तरह के गाने गा सकते हैं सुर में हैं और मेरे भी एक दो गाने उन्होंने गाए हैं मगर कहीं ना कहीं एक अच्छा फ्यूचर दिख रहा है और उनके अलावा भी बहुत सारे नए बच्चे भी आ रहे हैं जिनका आजकल के दौर में एक अच्छी बात है कि तमाम लोगों के लिए ओपन फील्ड है. ऐसा नहीं कि कोई मोनोपोली भाई यही तीन लोग गाएंगे यही चार लोग गाएंगे. सो बहुत अच्छा फ्यूचर है और आने वाले दिनों में म्यूज़िक एक नई दिशा और एक नई लहर के साथ आने वाला है और मुझे लगता है कि ये जो नए लोग हैं इनमें जो सबसे खास बात है दे आर वेरी फोकस्ड वेरी टैलेंटेड एंड वेरी वेरी
डाउन टू अर्थ पीपल। विजय क्या कहना चाहेंगे मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स के बारे में? मैं मिर्ची अवार्ड से जो है पहले साल से जुड़ा हुआ हूँ और आज सातवां साल है इस साल का, और इसीलिए जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि एक जेन्युइन एक इनकी अप्रोच रही है म्यूजिक अवार्ड की टुवर्ड्स द क्रिएशन, टुवर्ड्स क्रिएटर्स, और ये जो है आजकल कम सुनने को या देखने को मिलता है। और सबसे पहली चीज़ कि मैं जूरी में जो है सब दिग्गज लोग हैं, मतलब सीनियर्स हैं इतने, और नॉट ओनली जस्ट म्यूजिशियन कंपोजर, सिंगर्स हैं, देन डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, तो जायज़ है, और सब अपने अपने महारत हासिल किए हुए हैं, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो डेफिनेटली बहुत जेन्युइन और बहुत ओरिजिनल और बहुत अलग आएगा। म्यूजिक अवार्ड तो सिंगर्स के सर पे तो सरताज रहेगा ही, लेकिन साथ ही साथ बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं जैसे आलिया, श्रद्धा, सलमान, उन्होंने भी इस साल धूम मचा दी है अपने आवाज़ों से। नहीं देखिए वो है इसमें, मतलब मैं यही बोलूँगा कि बहुत अच्छी बात है कि एक एक्टर्स भी अपना सिंगिंग कर रहे हैं, वॉइस कर रहे हैं, दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुरा नहीं, बिकॉज वो कैपेबल हैं तो गा रहे हैं। और लेकिन मुझे एक होता ना कि आर्टिस्ट एक गाता है तो उसका एक अलग ही वो होता है, बिकॉज उसकी फ़ैन फॉलोइंग अलग होती है, और सब ने सुर में गाया है तो सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा। लेकिन सर AIB का नाम ले लिए हैं तो लगता है ये हमारे कल्चर को शोभा देते हैं इंडस्ट्री से, ये इसमें मैं इंडस्ट्री को आप क्यों दोष देते हो, हमेशा इंडस्ट्री को लोग दोष देते हैं, मैं बोलता हूँ ऑर्गेनाइज किसने किया उसको दोष देना चाहिए कि जिसकी जो गंदी उपज है। नहीं नहीं वो सब सुना है मैंने, और मैं यही बोलता हूँ कि ऑर्गेनाइज किसने किया, मतलब उसकी कितनी बोलते ना तुच्छ सोच होगी जिसने ये हमारे कल्चर पे धब्बा लगाने का वो किया है, प्रयास किया, जो मैं एकदम अगेंस्ट हूँ एज एन नॉट एज मतलब एज एन ले मैन, एज अ कॉमन मैन। मैंने इसका ना रियल बताऊँ, मैंने बहुत छोटा सा उसका वो देखा था टीज़र, और उसमें कुछ था तो मुझे वो बहुत बुरा लगा था, और चूँकि इतने बड़े सब हैं कलाकार और हम ये आज उनको ये पता होना चाहिए कि उनको जो वो बोलते हैं कितने लोग उनको फॉलो करते हैं, तो क्या हम आने वाली जनरेशन को यही दे रहे हैं? ये अगर सोच ले इंसान तो इस तरीके के तो हरकत ना करें।